वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2.2 जो एक्सरसाइज है क्लास 10th का मैथमेटिक्स में, उसके बारे में। देखिए बहुत ही मज़ेदार है और इसको जनरली समझिएगा। अगर आप 2.1 देखे होंगे और उसका बेसिक, सबसे पहले हम उसमें बेसिक पूरा का पूरा डीपली क्लियर कराएं, अगर वो देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ये 2.2। और इसमें भी आपको समझ में आएगा क्योंकि एक बार फिर से हम इसमें थोड़ा सा बेसिक इसका आपको बताएंगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, यानी फाइंड द जीरोज, इसका क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक किसको कहते हैं, तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो आप एक्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें जो आप एक्स का मान निकालते हैं तो एक्स के मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। सपोज यहां देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है, इसका क्या निकालना है, जीरोज। तो यहाँ पे एक्स का मान निकाल लीजिए, वही क्या है, जीरोज है। ठीक है, और एक्स का मान कितना आएगा आपको बताए थे, तो जितना घात होता है, घात का मतलब पावर, यानी जितना पावर होता है उतना ही इसका जीरोज होता है। तो इसका मान दो ठो होगा एक्स का, यानी जीरोज इसका कितना होगा, दो होगा। इसको निकालना है, आगे पढ़ते हैं। जब हमसे जीरोज निकल जाएगा, ठीक है, एंड वेरीफाई, और फिर से जाँच करना है। वेरीफाई बोले तो उसको जाँच पड़ताल करना है। क्या जाँच करना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट। जांच क्या करना है, ध्यान से इसको समझिएगा। जांच करना है किसमें रिलेशन दिखाना है, किसमें संबंध दिखाना है, कि इसका जो दो आंसर आएगा जीरोज वो, और इसका जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। जैसे कि x का गुणांक दो, गुणांक का मतलब होता है गुणा करने वाला अंक। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं है तो वन रहता है। ठीक है, तो ये इसके गुणांक, इसका जो भी आंसर आएगा क्या जीरोज आएगा, वो दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, आखिरकार इसको बनाने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, तो यहां एक चीज देखिएगा, यहां पे एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या, जनरली समझिएगा तो वैसे होता ही है। यहां पे जो भी शून्यक निकलेगा, यानी जीरोज निकलेगा, शून्यक का एक होता है फॉर्मूला, शून्यकों का योग। क्या है वो, यानी कि सम ऑफ जीरो, शून्यक का योग, माने जो भी दो ठो एक्स का मान निकलेगा उसको जोड़िएगा तो देखिए किसके बराबर आ जाएगा। इसके गुणांक में रिलेशन जरूर होगा, उसको जोड़ने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा जो इसके मतलब गुणांक में होगा। ठीक है, क्या होगा, तो होगा माइनस बी बाई ए। आपको बता दें कि ये बी और ए क्या है, तो इसी का पहला वाला रूप, जैसे ए एक्स स्क्वायर, इसका व्यापक रूप बताए थे बी एक्स, अब प्लस में सी, ये इसका व्यापक रूप है। तो बताइए बी कौन है, यानी कि यहाँ वाला, और बट्टा में ए कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये। ये दोनों आंसर क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, फिर देखिएगा ये दोनों बराबर आएगा। ये जो आंसर आएगा, इन दोनों आंसर को जोड़ेंगे ना तो यही वाला आंसर आएगा, यानी ये दो और ये कुछ नहीं है तो एक। तोड़िए इसको, हम इसका तोड़ने का क्या रूल बताए थे, तो इसका देखिए, ये फर्स्ट इनटू लास्ट, सबसे पहले पहला और लास्ट वाले को गुणा करते हैं, मन ही मन गुणा करते हैं। आप कहीं रफ में कर सकते हैं, आठ में एक से स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आठ एक्स स्क्वायर। अब आठ को फैक्टर कीजिए, यानी तोड़िए इसको। जब आठ को फैक्टर कीजिएगा, इसका रूल एगो समझ लीजिए। देखिए हम ऐसा काम करते हैं कि बीच वाले को ऐसे दो हिस्सा में तोड़ते हैं, ठीक है, ये बीच वाला को, कि इनको गुणा करने पर कितना आ जाए, ये वाला आ जाए, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाए, और फिर उसको जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए, 2x आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, दो से दो चौका आठ, यहाँ हो जाएगा दो दूना चार, और ये दो एकम दो। ठीक है, जब इसको तोड़े तो तीन ठो दो आया, टू इंटू टू इंटू टू। तो यहाँ देखिए, तो अगर दो दूना हम चार करें, यहाँ पे लिख दें हम चार, और यहाँ दो अकेले छांट दें, समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको चार में से दो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, दो मिलेगा, और चार में दो से गुणा करेंगे तो आठ मिलेगा। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ देखिए आठ पहले एक्स स्क्वायर लिखे, दो को तोड़िएगा तो यहाँ लिखिएगा चार एक्स प्लस दो एक्स, और फिर ये माइनस में क्या हो गया, आठ। इसको हम तोड़े हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा आप समझने की कोशिश किस तरह से कीजिएगा। देखिए आठ में सबसे पहले हम किए हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, तो आठ में एक्स स्क्वायर तो हुआ है आठ एक्स स्क्वायर, मन ही मन ये रखना है ऐसे साइड में। अब देखिए
बीच वाले नंबर को ऐसे दो हिस्सा में तोड़े हैं कि उसको गुणा करें तो कितना आ जाए, यही वाला आ जाए, फर्स्ट और लास्ट को गुणा वाला ये आ जाए, ठीक है। और इसको फिर सॉल्व करें तो फिर यही मिल जाए। तो देखिए, तो 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक माइनस में है और एक प्लस में है तो ही घटाते हैं। अगर दोनों माइनस में रहता 4x और -2x तो एक जैसा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर दोनों प्लस में रहता तो भी जोड़ेंगे, क्योंकि एक जैसा रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं, और इधर उधर सिंबल रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4x में से 2x जाएगा तो 2 आ जा रहा है, और गुणा करने पर 4 × 2 = 8x² भी आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा माइनस है ना, तो बड़ा वाला का सिंबल रहता है, तो दोनों में किसका सिंबल बड़ा है, माइनस का बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। अब जब इसको हम तोड़ दिए तो दोनों में से दो दो का जोड़ा लगाइए, इन दोनों में कुछ एक जैसा कॉमन मिल रहा होगा। यहाँ देखिए, दोनों में एक्स मिल रहा है, एक्स बाहर निकाल दीजिए, तो एक एक्स निकल गया तो एक एक्स यहाँ बचेगा, यहाँ से एक्स निकल गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखिए, इस दो के पहाड़ा में 2 आता है और 8 भी आता है, यानी 2 का पहाड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 निकलिए गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स, और 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार आएगा, 2 × 4 = 8। फर्स्ट इंटू लास्ट का एक रूल है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट वाला अगर बराबर आ जाए तो ही आपका ये सही है, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, एक बाहर वाला लिखिए, बाहर वाला क्या है, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, आई दोनों एक जैसा है तो कोई एक ठो लिख दीजिए, एक्स माइनस 4, ठीक है। अभी देखिए, इतना बराबर आपका 0 होता है, शून्यक निकालना है ना, ठीक है, 0 होता है। ध्यान से इसको समझते चलिएगा। अब बताइए, यहाँ पे हमको अभी बताएं, हमको क्या निकालना है, फाइंड द जीरोज, यानी कि शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना है तो इसको एक बार 0 के बराबर कीजिए, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, एक ये आया एक्स का मान, एक ये आया, एक हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x बराबर 4। अब बताइए, यहाँ पे दो ठो वैल्यू आया x का, एक आया x बराबर माइनस 2 और एक आया x बराबर 4। अब बताइए, दोनों x है तो इसका नाम अलग अलग रखेंगे ना, एक का नाम हम लोग रखते हैं क्या, अल्फा, और एक का नाम रखते हैं बीटा। अभी देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग ना शून्यक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यक, ये दोनों शून्यक निकला है, इसको हम लोग शून्यक बोलते हैं, एक्स का मान बोलते हैं, अल्फा और बीटा भी बोलते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इसके क्या जीरोज में यानी शून्यक में और इसका कोफिशियंट में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, का ही एक दूसरे को जानता पहचानता है, ठीक है। तो देखते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बताइए, शून्यकों का योग, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका शून्यक आएगा उसको क्या कीजिए, जोड़िए, योग माने होता है जोड़ना। तो शून्यक क्या आया, एक तो आया है माइनस 2 और एक क्या, वैसे शून्यक हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला पहले यही लिख दीजिए, एक को शून्य किए और एक शून्य किए, दोनों का योग बोला है, ठीक है। अब माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, अल्फा कितना है, एक माइनस 2 है, अब बीटा कितना है, 4 है, यहाँ बी माइनस है तो माइनस, बी कितना है देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए बताए थे एक्स के साइड वाला को ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के साइड वाला को ए और एक्स के साइड वाला को बी, तो बी निकालना है, तो बी कितना है यहाँ पे, बी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आपको सही से लिख दें, 2x प्लस में माइनस था, माइनस में 8, ठीक है। इसके साइड वाला, एक्स के साइड वाला को बी बोलते हैं, ये ए ये बी, तो माइनस में 2 है, तो एक ऑलरेडी इसमें माइनस, एक बी का मान यहाँ पे माइनस 2, तो माइनस हो जाएगा 2, और ए कितना है, तो ए कुछ नहीं है तो एक लिखना, ठीक है, ये यहाँ इसके साइड में कुछ नहीं है। अब बताइए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, क्यों घटाए हैं, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, जोड़ते कब हैं, जब एक जैसा दोनों का सिंबल रहता है यानी चिन्ह रहता है, तो ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा 2, लेकिन प्लस में 2 आएगा, आखिर ये प्लस में 2 क्यों आएगा, क्योंकि घटाने के बाद जो बड़ा वाला रहता है उसी का सिंबल दिया जाता है, तो ये बड़ा वाला है इसीलिए इसका सिंबल, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिसमें से घटाते हैं उसका सिंबल रहता है। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, नीचे एक नहीं लिखा है। अब बताइए कि दोनों में ये 2 बराबर आया कि नहीं, दोनों में यानी रिलेशन है यानी संबंध है, कैसे, ये दोनों का शून्यक हम जोड़े तो, या फिर b बाई ए लिखे तो, दोनों बराबर आता है। अब देखिए एक और फॉर्मूला, ये तो शून्यक का योग, क्या इसका गुणनफल भी बराबर होता है, माने कि अगर अल्फा और बीटा को जोड़े तो 2 आया, गुणा करेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो यहां पे होता है c बाई ए,
ठीक है, ये होता है बी बाई ए, ये होता है सी बाई ए, जोड़ वाला बी बाई ए और गुणा वाला सी बाई ए। कैसे याद रखेगा, दोनों के नीचे क्या है, ए है, ठीक है, तो दोनों के नीचे ऐसे ए लिख दीजिएगा, इसके भी नीचे ए, और उसके बाद ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या होता है, सी, तो पहले आता है बी उसके बाद आता है सी, ये याद रखिएगा, योग का है और ये क्या है, गुणनफल का है। यहाँ देखिए, अब ये शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। सी क्या है, तो सी यहाँ पे इसको माइनस आठ, ए क्या है, कुछ नहीं है ए, जब ए कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साइड वाला यहाँ पे यही तो ए है, कुछ नहीं है तो एक मानिएगा। अल्फा कितना है, माइनस में दो, बीटा कितना है, चार, बराबर माइनस आठ, चार दूना ये कितना हो जाएगा, आठ माइनस में बराबर में आठ। अब बताइए यहाँ पे दोनों में संबंध है कि नहीं, गुणनफल भी अगर देखे तो ये देखिए, ये सब जितना भी है, बी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बोला था यहाँ पे कि जीरो और कोफिशियंट यानी कि गुणांक और शून्यक में, यानी कि शून्यक में क्या है, कोई संबंध है, तो यहाँ पे संबंध है, यहाँ बी क्या है, गुणांक ही तो है, ए क्या है, गुणांक है, बी किसका गुणांक है, तो बी देखिए किसका गुणांक है, बी किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए किसका गुणांक है, तो ए किसका गुणांक रहता है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और यहाँ पे देखिए सी किसका गुणांक है, तो सी यही है, गुणांक नहीं है, डायरेक्ट सी है, फॉर्मूला में अगर आपको बुक में फॉर्मूला देखिएगा तो बी, बी क्या है, तो एक्स के साइड में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी क्या है, पहले होता है एक्स का गुणांक, आप लिख सकते हैं आप, बटा ए, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, आपको लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर लिखना होता, सी क्या है, सी एक अचर पद है, अचर पद का मतलब समझ रहे हैं, बताए थे चर जिसका वैल्यू निकाला जाए, अचर जिसका वैल्यू नहीं निकाला जाए, और यहाँ पे ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, आपको ऐसे अच्छा लगेगा तो ऐसे भी लिख दीजिए, दोनों में लेकिन संबंध है, ये देखिए गुणांक में, गुणांक में भी उतना ही आया है और यहाँ शून्यक को जोड़े हैं तो उतना ही आया, तो दोनों में संबंध है, तो यहाँ एक लैंग्वेज लिख लीजिएगा आंसर में, ठीक है, जांच करने के बाद यहाँ लिखिएगा कि शून्यक और यहाँ पे शून्यक और गुण है, क्या बोलते हैं इसको, गुणांक दोनों बराबर है, शून्यक और गुणांक का संबंध है क्योंकि इसका, क्योंकि जांच के बाद दोनों का उत्तर बराबर आता है, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, ऐसे अलग तरीका से भी लिखा जा सकता है लेकिन एकदम ये सिंपल लैंग्वेज है। यहाँ सबसे पहले लेकिन देखिए, आपको अगर कहीं परेशानी होगा तो एक ही जगह परेशानी होगा, इसको तोड़ने में, दो हिस्सा में हम लोग तोड़ते हैं, यहीं पर परेशानी होगा, ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको बीच वाला को तोड़ने में ही आपको परेशानी हो सकता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, योग का फॉर्मूला होता है बी बाई ए और गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। याद करने का क्या तरीका है, तो दोनों में नीचे क्या है, ए है, और ए के बाद क्या आता है, बी, तो उसके बाद यहाँ बी डालेगा लेकिन माइनस में है, उसके बाद सी, ये हो गया आपका योग का फॉर्मूला और ये हो गया आपका गुणनफल का फॉर्मूला, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखते हैं बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अब देखिए यहाँ हम लोग दो नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत ही मजेदार है, देखिए बस एक ही जगह आपको ध्यान देना है, ये टूटेगा कैसे, टूटेगा कैसे, तो बीच वाले को तोड़ना है हमको, फिर जोड़ने पर ये क्या आना चाहिए, जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, और दोनों को गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल आना चाहिए, और फिर उसको जोड़े या घटाए सॉल्व करें तो कितना आ जाए, बीच वाला फिर अपने औकात में आ जाए। देखिए यहाँ पे चार एस स्क्वायर, जब इसको तोड़िएगा तो यहाँ डायरेक्ट ये तो आसान है, टू एस माइनस टू एस, गुणा कीजिएगा यहाँ, ऐसे हम एस लिख दे रहे हैं ताकि डाउट नहीं रहेगा, फाइव और इस तरह से, ठीक है, दो और दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है तो इसको जोड़ेंगे, और फिर दो में दो से गुणा करें, दो दूना चार हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनफल भी आ जा रहा है, गुणनफल मतलब क्या, चार एस स्क्वायर में वन से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, चार एस स्क्वायर ही होगा, ठीक है, फिर देखिए ना इसको भी गुणा कीजिएगा, टू एस तो हो जाएगा, दो दूना चार एस स्क्वायर, फिर जोड़ने पर भी चार आ रहा है, तो इसका मतलब इसको तोड़ रहे हैं तो ये सक्सेस है।
अब बताइए दोनों में यहाँ वन है तो वन लिख दिया, इन दोनों को हम तोड़े हैं, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में हमको दो का पहाड़ा कॉमन मिल रहा है, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, तो एस बाहर निकाल दिए, एस बाहर निकाल दिए तो यहाँ दो का पहाड़ा कितना बार में, दो बार में आएगा, एक ठो एस बाहर है तो एक ठो एस बचेगा, और माइनस यहाँ 2s निकल गया, तो जब पूरा का पूरा 2s निकल गया तो जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 बचता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या निकलना है, यहाँ निकालिए आप, यहाँ तो 2s, एक काम कीजिए कुछ नहीं निकलना है तो 1 निकालिए, लेकिन माइनस में एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो भी यहाँ सिंबल होगा सब चेंज हो जाता है, तो बताइए जब माइनस 1 कॉमन निकालें तो ये क्या माइनस है, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 2, लेकिन प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2s और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ दोनों ये सेम आ गया, जब सेम आ गया तो क्या होगा, 2s एगो बाहर वाला लिखिए ये, और एक लिखिए आप अंदर वाला, ठीक है, 2s माइनस 1 बराबर में ये सब क्या होता है 0, क्योंकि हमको निकालना क्या है, जीरोज निकालना है, शून्यक निकालना है। अब देखिए यहाँ इसको 0 के बराबर कीजिए तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये बट्टा में 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2, एस बराबर यहाँ 1/2 आया, ये भी उतना ही आएगा, सेम है, यहाँ हो जाएगा 2s, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 1, और ये फिर बट्टा में एस बराबर 1/2। हमको क्या बताना है, हमको बताना है शून्यक, जांच ये करना है शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है, तो शून्यक तो मिल गया, और जब भी पूछे कि शून्यक और गुणांक में क्या संबंध है तो शून्यक का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, जो भी शून्य का फॉर्मूला होता है, एगो योग का फॉर्मूला होता है, माने जोड़ने पर ये क्या होगा फॉर्मूला, और इसको गुणा करने पर क्या फॉर्मूला होगा, दोनों होता है, तो आपको हम दोनों लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। शून्य को का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यहाँ पे होता है, इधर साइड में एक और लिखते हैं, शून्य को का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। बताइए यहाँ भरिए, शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है, तो देखिए ये तो दोनों एस है ना, तो दोनों एस है तो ए को मान लो अल्फा, ए को मान लो बीटा, ठीक है, और इसका योग करना है तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ो, ठीक है, योग का मतलब होता है इसको और शून्य की दोनों है, दोनों का योग, तो 1/2 प्लस 1/2। बी कितना है, तो बी यहाँ से देखिए क्वेश्चन में है, जैसे ये ए होता है ये बी होता है, तो बी यहाँ पे माइनस 4 है, ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी एक फॉर्मूला में माइनस है, एक माइनस 4 है, और ए कितना है, तो ए हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम निकालेगा हुआ 2, 1 + 1 बट्टा का जोड़े, माइनस माइनस प्लस में 4 और बट्टा में 4, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 1, 1, 2/2 और ये 4/4, 4 एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा, 1/1, यानी इसमें संबंध है, तभी तो ये क्या है, दोनों ये गुणांक है, आपको बताए थे बी क्या है, तो एक्स का गुणांक है, देखिए एस का, यहाँ पे तो एस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी डी में का कोई भी अंक, तो यहाँ इसका ये गुणांक है, और ए क्या है, तो ए यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, तो गुणांक और यहाँ शून्य का जो आंसर आया वो दोनों में संबंध है कि नहीं, लास्ट में दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है, ये भी वैसे ही है, शून्य कितना है 1/2 लेकिन गुणनफल है, सी कितना है, तो सी यहाँ देखिए, सी यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और ए कितना है, तो 4 है, गुणा कीजिए अभी, 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और इधर 1/4, इसमें भी तो संबंध है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं जांच में, ठीक है, कि यहाँ सत्यापित हुआ, जांच हुआ कि शून्य के गुणांक, यहाँ लिख सकते हैं जो अच्छा लगे लिखिए, जांच हुआ कि शून्य तथा क्या हो जाएगा गुणांक में संबंध है, हो गया आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ समझना नहीं है, देखिए जैसे ही दोनों में पूछे संबंध तो दोनों का फॉर्मूला, देखिए संबंध जैसे पूछे तो याद रखिएगा, आप सोचिएगा किसमें किसमें, जीरोज में और कोफिशियंट, ये दोनों में संबंध पूछे तो आप दिमाग ये लगाइएगा कि देखिए जीरोज और यहाँ पे जो यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरोज और गुणांक कोफिशियंट दोनों में किस फॉर्मूला में ये दोनों आता है, तो यही तो फॉर्मूला है शून्य को, तो शून्य इसमें आ जा रहा है, इसमें गुणांक भी आ जा रहा है, इसमें भी शून्य आ जा रहा है, इसमें भी गुणांक आ रहा है, तो दोनों
आ जा रहा है, तो इसी में आप देखना है कि इससे ये क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है, क्या रिश्ता नाता है, ठीक है। तो हम भर के चेक किए तो देखे कि ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन लास्ट में तो ये दोनों बराबर हो जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं से इन दोनों के बीच में संबंध है, तो भी जाके लास्ट में क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। क्योंकि देखो अगर ये संबंध नहीं रहता तो लास्ट में ये दोनों एक नहीं होता, ठीक है। दूर का रिश्तेदारी है लेकिन है तो सही, ठीक है। नाता रिश्ता दूर का होता है लेकिन रहता है तो पता चल जाता है, दोनों एक एक खानदान का है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश किया है। यहाँ जो क्वेश्चन है आपका लिखा है 6x² - 3 - 7x, आपको उल्टा कर दिया है, लेकिन आप चला के तो सीधा कर लीजिए 6x² - 7x - 3। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़िएगा तो 6 * 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 को मन ही मन कहीं रफ में सॉल्व कर लीजिएगा, 3 * 3 = 9, यहाँ पे आया 2 * 3 = 3, इसी को घुमा फिरा कर लिखना है 6x². 7 को ऐसे दो हिस्सा में तोड़ो, ठीक है, कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, फिर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो एक उपाय है, यहाँ देखिए 9 * 2 होता है 18, 9x + 2x, यहाँ देखिए तो ये दोनों को तोड़े हैं, यहाँ देखिए 3 * 3 हो जाएगा 9 + 1 = 2, तो 9 * 2 = 18, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 9 * 2 कितना हो जाएगा, गुणा करने पर 18, और यहाँ पे 9 में से अगर हम लोग 2 घटाएँ तो 7 आ सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है आपका, यहाँ देखिए 9 * 2 = 18 हो ही जा रहा है, और 9 में से 2 जाएगा 7, बड़ा वाला माइनस में है या इसीलिए ऐसे लिखे हैं। यहाँ देखिए अब ये दोनों में से कॉमन लेने को सीखो, देखो कैसे यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों किस पहाड़ा में, तो 3 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है, तो 3 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, तो 1 भी बाहर निकाल लीजिए, 3 * 2 = 6, एगो 1 बाहर निकल गया तो एगो 1 बचेगा, और ये देखिए 3 * 3 = 9, 1 तो एगो एक ही गो था बेचारा, तो बाहर निकल ही गया। इसमें क्या कॉमन मिला, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिया जाता है, 1 से देखो 1 एक ऐसा शरीफ नंबर है बेचारा, कॉमन तो हो जाता है लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, ठीक है। तो यही बात है, जब 1 कॉमन लिए तो वैसे ही रह जाता है। अब एगो बाहर वाला लिखिए, ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, सही है, जो बनाए हैं फैक्टराइजेशन हमारा सही रहा। अब बाहर लिखने वाला लिख दो x + + 1, 3x, एक अंदर वाला दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट में आपको शून्य का निकालना है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। x का मान निकालने के लिए पहले ए को 0 के बराबर करें, 3x + 1 = 0, तो हो जाएगा 3x + में इधर आएगा तो -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। ये वाला बनाइए 2x - 3 = 0, 2x + 3, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। एक और इसमें क्वालिटी जान लीजिए, माइनस हम लोग लिखते हैं लेकिन उधर जाता है तो प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 3/2। अभी आपको क्या करना है, 0 और यानी कि शून्यक और गुणांक में आपको संबंध बताना है। तो फॉर्मूला वही है, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपका शून्यक भी आ जाए और गुणांक भी आ जाए, तो एक फॉर्मूला तो होता ही है दो ठो, कौन कौन सा, शून्यक भी है यानी शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। शून्यक क्या क्या है, दो ठो शून्यक है, दोनों को जोड़ो, एक ठो शून्यक ये है अल्फा बीटा, इसको बोल सकते हैं अल्फा बराबर माइनस ये हो जाएगा, और बीटा बराबर आपका हो जाएगा 3/2। वैसे आपको किताब में अगर फार्मूला दिया होगा तो वो दिया होगा α + β - b/a, तो वही तो बात है, शून्यक है तो शून्यक का जोड़े हैं यहाँ पे दोनों को, तो क्या होता है b/a। अल्फा कितना है तो -1/3, और बीटा कितना है तो 3/2, ठीक है, हाँ यही है। और फिर उसके बाद से यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, बी कितना है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए बी कितना है, इसमें देखिएगा बी है -7, तो यहाँ लिखिएगा बी -7, और ए कितना है तो ए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे बट्टा का जोड़ कीजिए 6 हो जाएगा, 3 * 2 = 6 -2 + 2 = 6 3 * 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में 7 और बट्टा में ये 6, 9 में से 2 जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो घटाते हैं, एक जैसा सिंबल रहता है तो जोड़ते हैं, 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7/6, और ये भी हो जाएगा 7/6, कुछ ना कुछ तो संबंध है। देखिए तो यहाँ पे गुणांक ये है और शून्य के है, लेकिन इधर जोड़े हैं ये लिखे हैं, ये दोनों बराबर आ रहा है, भले यहाँ संबंध एक जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि इनमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन लास्ट में दूर जा करके यहाँ पे दोनों में संबंध है, यानी ये दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, इसीलिए ये दोनों में संबंध है तभी तो बराबर आया है।
और वैसे ही आप सेकंड भी कर लीजिएगा, कौन सा, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा कितना, तो अल्फा है माइनस वन बटा तीन, इंटू बीटा कितना, थ्री बाई टू। सी कितना है यहाँ क्वेश्चन में देखिए, सी है माइनस थ्री, ए कितना है, तो ए है सिक्स, मल्टीप्लाई तीन एकम तीन हो जाएगा और तीन दूना छः, और यहाँ पे भी माइनस तीन बटा छः, देखिए तो दोनों बराबर आए हैं, यानी कि कहीं से आप देखिए शून्यक में और गुणनफल, शून्यकों के योग और गुणनफल दोनों हिसाब से ये बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जांच करने पर यानी कि शून्यक के योग और यहाँ पे सॉरी यानी शून्यक और गुणांक में संबंध है, यानी कोफिशियंट और जीरोज में रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ फिर वही लैंग्वेज लिख लीजिएगा, सेम लैंग्वेज अब तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए हम लोग चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दिखने में लग रहा हो कि ये कैसे बनेगा, ये तो फर्स्ट इंटू लास्ट के जैसा है ही नहीं, तीन ठो तो है ही नहीं, लेकिन ये तो उससे भी आसान है। देखिए कैसे, हमको कहाँ निकालना है, शून्य यानी जीरोज, शून्य का मतलब एक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन ये है, फोर यू स्क्वायर प्लस में एट यू बराबर में जीरो रहता ही है। आपको बताया थे शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर रहेगा। आपको बता दे एक और चीज, आपको बताए भी हैं, देखिए u का पावर कितना है, दो है, इसका मतलब u का मान दो ठो आएगा, जितना होगा उतना ही शून्य का आएगा, इसी को तो शून्य बोलते हैं। किसको, शून्य होता है x के मान, या यहाँ u है तो u के मान। यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है क्या, चार का पहाड़ा दोनों में है तो चार बाहर, दोनों में u है तो u निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा और यहाँ बचेगा चार दूना आठ, दो बचेगा बराबर में जीरो। यहाँ दो ठो मान आया नहीं, यहाँ देखिए तो एक आया 4u, एक आया u प्लस टू। तो एक काम कीजिए दोनों को बनाइए, एक बार लिखिए 4u बराबर में जीरो, एक ये ले रहे हैं हम, तो यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा, चार आ जाएगा बट्टा में, तो हो जाएगा u बराबर एक जीरो आया, ठीक, एक u बराबर जीरो आया, दो ठो मान आएगा u का, और एक u प्लस टू बराबर जीरो, तो u बराबर माइनस टू आया, ठीक है। एक u बराबर माइनस तो दो ठो मान तो आ ही गया, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, कॉमन ले लो यही दोनों मान हो गया, ठीक है। अब दोनों में क्या बताना है, रिलेशन, का नाता रिश्ता है, का संबंध है इन दोनों में, ठीक है, किसमें किसमें, तो इसके शून्यक में यानी कि जो ये आया है वो, और उसके बाद से जो इसका गुणांक है वो। तो देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको अल्फा है या बीटा है, क्यों है, क्योंकि दोनों नाम सेम है इसीलिए अलग अलग नाम है। अल्फा बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा का मान जीरो प्लस बीटा का मान माइनस में टू, और यहाँ पे देखिए माइनस है, बी कितना है, तो बी यहाँ पे एट है, और ए कितना है, तो ए यहाँ पे फोर है, पहला वाला होता है ए। यहाँ देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में दो, ये हो जाएगा चार दूना आठ, माइनस में दो, दोनों बराबर आया, ठीक है। अब गुणांक निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दिया है, तो अल्फा है आपका जीरो, इंटू बीटा कितना है, तो बीटा आपका है यही वाला माइनस में दो, बराबर सी कितना है, सी कुछ नहीं, तो जहाँ सी यहाँ पे तो कुछ ही नहीं, ए है बी है सी, सी अगर नहीं पता है तो उसको जीरो बोलते हैं, ठीक है, थीके? और उसके बाद से ए क्या है, तो ये हो जाएगा चार, ये गुणा करने पर जीरो और ये भी आ जाएगा जीरो। अब एक और चीज़ बता दे, सी यहाँ पे नहीं दिया है तो आप हमेशा उसको जीरो ही लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए ये भी तो दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ, जब बराबर हुआ तो फिर लैंग्वेज भाई क्या करना है, वेरीफाई करना है, जांच करना है कि ये जो आपका क्या था, शून्यक था, दोनों दोनों तो शून्यक ही ना था, ये निकालने पर शून्यक ही आता है, शून्यक आई जो है दोनों गुणांक है, ये और ये क्या है, गुणांक है, इन दोनों के बीच कोई संबंध है, तो संबंध है तभी तो ये बराबर आया है, इधर का बनाया है तो इधर जीरो आया है, ये वाला जीरो है, इधर की है तो माइनस दो, इधर भी माइनस दो, तो इन दोनों में संबंध है। तो यहाँ लिखिएगा कि जांच करने के बाद शून्यक यानी कि आपका जीरोज और गुणांक यानी कोफिशियंट में संबंध है, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद से देखते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पांच नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, समझने के ऊपर है। देखिए कैसे यहाँ लिखा है, फाइव नंबर क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15, बताइए इसका टी का मान कितना होना चाहिए, तो पावर अगर दो है ना तो टी का मान भी क्या होगा, दो ही होगा, ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। तो इसके बराबर जीरो क्यों कर दो, यहाँ टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक बात आपको बता दें हम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको डीपली, बार बार इसको यही आप भूलेंगे,
जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में हो जाता है, इतना आप जानते हैं। लेकिन एक और बात जान लीजिए कि स्क्वायर रूट में तो जाता है लेकिन प्लस और माइनस को लेके जाता है, ठीक है। टी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15, लेकिन प्लस और माइनस होगा। स्क्वायर कभी भी जाता है तो प्लस माइनस कभी हम लोग लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत है क्योंकि हमको दो ठो मान चाहिए तो प्लस और माइनस। तो यहाँ टी बराबर दो ठो हो गया, एक बार प्लस में लिखिएगा 15 और एक बार टी बराबर लिखिएगा माइनस में रूट 15, ठीक है। ये दिमाग में रखिए। अब दोनों टी है तो नाम बदलो, एक का नाम हो जाएगा अल्फा, एक का नाम हो जाएगा बीटा, तो दोनों यहीं पे निकल गया अल्फा और बीटा। देखिए तो दो ठो आ गया शून्य किसका, जब दो ठो इसका जीरोज आ गया तो दोनों में का रिलेशन है, का नाता रिश्ता है, करना है तो फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा कितना आया है तो प्लस में रूट 15, बीटा कितना आया है तो यहाँ पे माइनस में रूट 15 बराबर, माइनस बी कितना है तो माइनस बी, यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए दिया है, यहाँ पे कोफिशियंट डायरेक्ट, यहाँ पे कोफिशियंट नहीं, यहाँ कांस्टेंट है, अचर पद है, बी तो है ही नहीं, ठीक है। तो जब बी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ बी नहीं है क्योंकि बी रहता तो उसमें टी जरूर रहता, ठीक है, क्योंकि आपको बताया था कि अगर टी स्क्वायर है तो यहाँ टी होना चाहिए तब कोई यहाँ पे नंबर होना चाहिए, तब ऐसे होता है। ए रहेगा तो यहाँ भी ए होना चाहिए तब कोई नंबर, यहाँ है ही नहीं। अब बताइए यहाँ प्लस में रूट 15, प्लस माइनस माइनस रूट 15, और यहाँ हो जाएगा ए कितना है, ए 1 है, जीरो में 1 से भाग देंगे तो जीरो, 15 में से 15 जाएगा जीरो, जीरो बराबर आ गया जीरो, ठीक है, ये रिलेशन हुआ। अब क्या दोनों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों में नीचे तो ए रहेगा लेकिन यहाँ बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ये बता चुके हैं। अल्फा कितना है तो अल्फा वही आपका बता दें, माइन प्लस में क्या है रूट 15, प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए कोई फर्क नहीं। यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस में 15 बराबर, सी कितना है तो सी यहाँ पे 15 है, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम माइनस में 15, ठीक है, और ए कितना है तो 1 है, सी यही सी का मान है, ठीक है, और ये ए का मान है, बी नहीं है बेचारा। 15 रूट 15 जब गुणा करते हैं हम लोग, ये देखिए ये कटाइएगा मत क्योंकि बीच में गुणा है, तो रूट 15 अगर दो ठो एक ही जैसा नंबर हो तो इसका हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो खाली क्या बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। तो इसको गुणा किए तो खाली बचा 15, लेकिन माइनस प्लस होता है माइनस, आई इधर बचा माइनस 15। दोनों में रिलेशन है तो अगर रिलेशन है तो फिर एक ही चीज़ लिखिएगा कि जांच करने के बाद से, यानी शून्य जीरोज शून्यक और गुणांक में संबंध है, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, 1 नंबर का लास्ट है, 6 नंबर, ये भी बहुत आसान है तो देखते हैं इसको हम लोग। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यही 6 नंबर क्वेश्चन है। एक काम करते हैं 4 तिहाई 12 हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे क्योंकि ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, ही देख ही रहे द्विघात बहुपद है, घात 2 है तो x का मान 2 ठो आएगा, 4 तिहाई 12 होगा 3x, इसको ऐसे दो हिस्सा में तोड़ो कि गुणा करने पर 12 आ जाए, तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3x और माइनस में 4x, 3 चौका 12 आ जा रहा है, 4x, अच्छा x लाना है ना, तो ये प्लस, ये वाला प्लस में डालिएगा और ये वाला माइनस में डालिएगा। अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यह कॉमन मिल रहा है दोनों में 3x, तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे दोनों में क्या मिल रहा है तो 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 बाहर निकलेगा लेकिन माइनस निकलेगा तो दोनों सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो x प्लस में 1 हो जाएगा, 4 निकालिएगा, तो एक बाहर वाला लिखिए तो 3x माइनस 4, एक अंदर वाला लिखिए तो 3x प्लस 1, जब ये दोनों बराबर हो तभी समझिएगा कि ये दोनों क्या है, आपका सही है। अब देखिए इतना बराबर तो ये 0 होता है, एक बार इसको 0 के बराबर, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर ये बट्टा में लाइए 3, तो 4/3, एक आ गया आपका x का मान ये, दूसरा x का मान x प्लस ये वाला उतारिए बराबर 0, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस में 1, और जब आपका हो गया माइनस में 1 तो ये भी 2 गो, तो एक को मानिए अल्फा, एक को मानिए बीटा और जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा कितना 4/3, बीटा कितना माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस में 1, ये देखिए माइनस, बी कितना है तो बी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रहेगा माइनस में 1, ए कितना है तो ए यहाँ पे 3 है, ये बट्टा का जोड़ कीजिए, जो बट्टा का जोड़ कीजिएगा बट्टा 1 मान के, 4 माइनस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा,
चार में से तीन जाइए एक बटा तीन आइए भी एक बटा तीन, दोनों में संबंध था तो ही तो बराबर आया। ठीक है, अब फिर से एक बार और देखिए, इससे संतुष्ट अगर कोई नहीं हो रहा है तो एक और चीज़ दिखाया जाता है, वही अल्फा इंटू बीटा गुणनफल वाला, सी बाई ए। अल्फा कितना तो चार बट्टा तीन, बीटा कितना तो माइनस में एक, सी कितना है तो माइनस में चार है, ए कितना है यहाँ पे तो तीन है। इसको इधर सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, चार में एक से तो चार एकम चार बट्टा तीन, और इधर भी चार बट्टा तीन, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो लिखिएगा जांच करने के बाद, ठीक है, शून्यक और गुणनफल, सॉरी शून्यक और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशियंट हो जाएगा गुणांक, दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि सत्य है, सत्यता की जांच यहाँ पे हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी उम्मीद करते हैं कि ये पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो तो कई बार पूछा गया है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।